फ्रेंड्स ट्रैक्टर है अपना न्यू हॉलैंड 47-10 2700 cc इंजन के साथ। फ्रेंड्स इसमें PTO परफॉर्मेंस बहुत शानदार है ट्रैक्टर में। तो फिलहाल इसमें रोटरी चलाई जा रही खेत में। और जो रोटरी है रैना कंपनी की है, ड्राइवर बता रहे थे अच्छी परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर के साथ जो रोटरी की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार समझ में आई उनको। फ्रेंड्स से एक साल से थोड़ी पहले आई थी ये सीरीज, उसी की अपडेट में XL आया है, न्यू हॉलैंड 47-10 XL। फ्रेंड्स से ट्रैक्टर आता था पहले, इसकी जो डीजल खपत है बहुत ही कम है, माइलेज अच्छी खासी देता है निकाल के और अच्छी खासी पावर भी निकाल के देता है। किसान बहुत संतुष्ट हैं इस ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर में किसी प्रकार का दबाव या फिर ऐसा कुछ लोड लेके चल नहीं रहा है ट्रैक्टर। तो 6.5 फुट की जो है रोटरी लिया है ट्रैक्टर, किसी प्रकार का दबाव है नहीं ट्रैक्टर पर। लोड नहीं है बिल्कुल भी। और अभी इससे पहले जो है धान वाले खेत में चलाया था तो उसमें भी किसी प्रकार का लोड लेके नहीं चल रहा था ट्रैक्टर, शांति से बस अपनी जो रनिंग है वही पकड़े हुए था। फ्रेंड्स इस ट्रैक्टर में जो मैसी 7250 इंजन आता है वही वाला इंजन दिया गया है इसमें भी, 2700 cc वाला सैमसंग कंपनी का। और ये 47 HP में बताया था कंपनी ने। फ्रेंड्स इस ट्रैक्टर की खास बात अगर मैं आपको बता दूं तो इस 47 HP का ट्रैक्टर है और इसमें 43 HP की PTO पावर आती है इस ट्रैक्टर में, क्योंकि अच्छी खासी लोड वाला भी ये PTO से रिलेटिव काम कर लेता है ट्रैक्टर। जैसे दबने जैसी शिकायत आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। एक 47 HP ट्रैक्टर में 43 HP का PTO पावर बहुत ही शानदार माना जाता है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है ट्रैक्टर में। मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा थोड़ी। 3 सिलेंडर इंजन है ट्रैक्टर का। किसी प्रकार का लोड नहीं है ना दबाव है, बस शांति से चले जा रहा है ट्रैक्टर और बहुत फुर्ती से काम निकालता है।